करने के बाद इसको प्रूफ करने के लिए रख दिया जाता है। ये जो ऊपर स्किन है ये नेचुरल है, इसमें कोई कार्बन कुछ नहीं है, जस्ट इसमें मिक्सिंग होने के बाद ये प्रूव होता है, अपने आप आता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टाइगर स्किन प्रिंट। अगर आप देखेंगे तो इसकी स्किन जो है बहुत सी टाइगर की तरह है, मतलब शेप टाइप का। और ये एक ब्रेड है जो डच एम्बेसी वालों ने हमसे व्हेन वी आर पोस्ट इन फेसबुक हमने जब डाला तो डच एम्बेसडर जो है उसने स्पेशली हमारे बेकर्स को फोन किया कि हमें ये ब्रेड पर्टिकुलर हमें 600 पीस, क्योंकि डच लोग जो है सिर्फ ब्रेड्स और बटर में रहते हैं, तो रोज का हमारा ये कंजम्पशन है। तो मैं चाहता हूँ इस ब्रेड को जब आप लें तो तोड़ने के बाद इसमें एक ब्रेड तोड़ने के बाद आपने देखा होगा कि हमारे बाइबल में हो, हमारे गीता में हो, कुरान में हो, ये रखा है कि ब्रेड हम तोड़ के जब डिवाइड एक दूसरे को देते हैं ना, इट्स अगेन साइन ऑफ। तो ब्रेड का पहले के टाइम पे ये होता था कि ब्रेड जो है आदमी तोड़कर एक दूसरे को पास करता था और खाते थे। आज के टाइम पे क्या है कि ब्रेड हम लोग स्लाइस करके भेजते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि ब्रेड की जो थिकनेस है, जो सॉफ्टनेस है, वो अप एंड डाउन होती है। ऊपर स्किन हार्ड होता है, अंदर सॉफ्ट होता है। जब वो कट के आता है तो जब आप खाते हैं ना आपको फील नहीं आता। अगर आप इसको तोड़ के खाएंगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ भाई ब्रेड खा रहे हैं। तो मेरी पर्सनल राय है कि ब्रेड जो है स्पेशली ये ब्रेड हाँ एंजॉय कीजिए, मतलब तोड़ के खाना नहीं, इसको एंजॉय करना है और रियल एंजॉय करना है।